हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको माइक्रो कंट्रोलर के बारे में बताऊंगा। माइक्रो कंट्रोलर में ये जैसे आप माइक्रो कंट्रोलर किट देख पा रहे हैं, इसमें ये 28 कीज होती है और ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है जिसमें 4 डिजिट एड्रेस के लिए होती है और 2 डिजिट डेटा के लिए होती है। ठीक है, आज इसमें मैं एक प्रोग्राम बताऊँगा, प्रोग्राम कैसे करते हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, रिजल्ट कैसे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक प्रोग्राम है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स एंड स्टोर रिजल्ट एट 3012 एड्रेस। ठीक है, तो ये प्रोग्राम अपन स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे और रिजल्ट अपन देखेंगे। इसमें सबसे पहले इसमें अपन को इसको रिसेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अपन प्रेस मेनी टाइम्स प्रेस करके इसको रिसेट करेंगे। रिसेट करने के बाद सबसे पहले अपन इसके बाद अपन मेमोरी सेलेक्ट करेंगे। मेमोरी सेलेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ पे एड्रेस डालना पड़ेगा, यहाँ पे एड्रेस जैसे यहाँ पे है 3000, तो यहाँ पे अपन डालेंगे 3000 डालने के बाद यहाँ पे अपन नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो यहाँ पे देखो 78 दिखा है, तो अपन को ये मैंने प्रोग्राम पहले किया है इसलिए इसमें थोड़ा स्टोर है, तो अपन इसमें से जब भी कोई नया प्रोग्राम करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसको यहाँ पे अपन पुट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे 78 है तो ये तो पहले से आ रहा है, तो फिर भी अपन यहाँ पे 78 लिखेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे एड्रेस अपने आप इंक्रीमेंट होता जाएगा और अपन को यहाँ पे वैल्यू डालनी रहेगी। तो इसके बाद अपन को लिखना है 04, फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद 79 आ गया, फिर भी अपन 79 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट 05, फिर नेक्स्ट E9, फिर नेक्स्ट 28, फिर नेक्स्ट 90, फिर नेक्स्ट 30, फिर नेक्स्ट 12, फिर नेक्स्ट F0, फिर नेक्स्ट 80, फिर नेक्स्ट FE। अब ये FE आने के बाद अपन क्या करेंगे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे। एग्जीक्यूट कराने के लिए सबसे पहले अपन प्रेस करेंगे फिल। प्रेस करने के बाद गो। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2000 लिखा है, लेकिन अपन यहाँ पे अपन को जो एड्रेस लिखना है वो स्टार्टिंग एड्रेस लिखना है। अपन ने प्रोग्राम स्टार्ट करा था उसका स्टार्टिंग एड्रेस था 3000, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 3000। इसके बाद फिर फिल प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे ई लिखा है, ई का मतलब है अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, अब रिजल्ट देखने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको रिसेट प्रेस करेंगे। रिसेट प्रेस करने के बाद मेमोरी सेलेक्ट करेंगे। मेमोरी सेलेक्ट करने के बाद अपन यहाँ पे एड्रेस डालेंगे जहाँ पर अपन को रिजल्ट देखना है, वह है 3012। इसके बाद अगर अपन नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद अपन यहाँ देख पा रहे हैं कि 09 आ गया है, जो कि अपना रिजल्ट है। अपन ने क्या करा था, दो डिजिट अपन को एडिशन ऑफ टू नंबर, तो अपने पास दो नंबर थे 4 और 5, दोनों को जोड़ने के बाद रिजल्ट आएगा 09। तो यहाँ पे है द रिजल्ट एट 3012 एड्रेस विल बी 09H। तो अपना यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है, 3012 एड्रेस है और यहाँ पे अब रिजल्ट है 09। थैंक यू फॉर वॉचिंग।